नमस्कार स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। मैं सुरेश गौर, ट्रिपल एस हिंदी पैरों से। तो आज हम स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल है तो आप पर रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितने रेजोनेट होते प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। और ये सन साइन मून साइन दोनों से देखी जा सकती है। ये रीडिंग 1 अगस्त से 8 अगस्त के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है तो व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जो स्कॉर्पियो के पर्सन हैं उनकी स्कॉर्पियो के प्रति करंट फीलिंग्स क्या है, वो उनके लिए क्या महसूस करते हैं। फिर देखेंगे कि स्कॉर्पियो अपने पर्सन के लिए क्या महसूस करते हैं, वो एक दूसरे से इस रिश्ते में क्या चाहते हैं, और स्कॉर्पियो के लिए आउटकम क्या रहेगा और इसकी गाइडेंस क्या रहेगी। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कि स्कॉर्पियो के पर्सन की स्कॉर्पियो के लिए फीलिंग्स क्या है। टू ऑफ स्वॉर्ड्स, तो स्कॉर्पियो के जो पर्सन है वो महसूस कर रहे हैं कि स्कॉर्पियो की वजह से इस रिश्ते में काफ़ी कंफ्यूजन है, काफ़ी परेशानी है। जब से ये रिश्ता बना है काफ़ी नेगेटिविटी इस रिश्ते में रही है। वो स्टक हैं, रुके हुए हैं, ठहरे हुए हैं, कुछ सोच नहीं पा रहे हैं, कुछ भी इसमें कंफ्यूज हैं इस रिश्ते को लेकर, वो कि ये रिश्ता आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इसमें स्कॉर्पियो के पर्सन भी हो सकते हैं, या तो स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं या तो फिर उनके पर्सन भी ऐसा महसूस कर सकते हैं कि रिश्ता रुका रुका सा है, इसमें कंफ्यूजन है, इसमें दिक्कत है, कुछ सोच विचार नहीं पा रहे हैं, उनको कोई रास्ता मिल ही नहीं रहा। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। टू ऑफ स्वॉर्ड्स को रोल रिवर्स हो सकते हैं फ्रेंड्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स, डेथ एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो जो स्कॉर्पियो के पर्सन हैं वो महसूस कर रहे हैं कि अभी इस रिश्ते में कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व हो सकता है, तीसरे थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। उन्हें डर है कि कोई तीसरा पर्सन इस रिश्ते को ख़राब कर रहा है, या फिर जो भी ये पर्सन है उनका कोई क्लिक हो सकता है, कोई बॉस हो सकता है, कोई उनका जानने वाला हो सकता है जो इस रिश्ते को, या फिर कोई हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन ना हो लेकिन कोई तीसरा पर्सन जो इस रिश्ते को ख़राब करने के बारे में सोच रहा है। वो कोई घर का मेंबर हो सकता है, कोई पड़ोसी हो सकता है, कोई रिश्तेदार हो सकता है, कोई क्लिक या कोई बॉस या कोई भी मतलब नॉन पर्सन या अननोन पर्सन कोई भी हो सकता है, जिसकी वजह से वो महसूस कर रहे हैं कि रिश्ता रुका रुका सा है, ठहरा हुआ सा है। तो वो चाहते हैं, वो महसूस कर रहे हैं कि जब तक, हालांकि वो टीम एफर्ट टीम एनर्जी इस रिश्ते में लगाना चाहते हैं, लेकिन इस रिश्ते में हर रोज़ कुछ ना कुछ बदल रहा है, कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है, ट्रांसफॉर्म हो रहा है। और वो महसूस कर रहे हैं कि जब तक वो रिश्ते, वो नाते, वो चीज़ें, वो सिचुएशन, वो जगह, वो जॉब, बिजनेस, करियर, जो भी चीज़ें ट्रांसफॉर्म नहीं होंगी, तब तक ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ेगा। तब तक इसमें कन्फ्यूज़न, परेशानियाँ, दिक्कतें रह सकती हैं, वो स्टक एनर्जी में रह सकते हैं। तो वो महसूस कर रहे हैं कि इसमें वो परिवार की, फैमिली की, बड़े बुजुर्ग की मदद लें और इस रिश्ते को अभी के लिए यहीं, जब तक चीज़ें ट्रांसफॉर्म नहीं होती तब तक वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में ना सोचें, अपनी फैमिली, अपना परिवार बनाने के बारे में सोचें, वो परिवार के साथ रहें, उसके एक फैमिली, एक परिवार बनाएं। जब तक चीज़ें ट्रांसफॉर्म नहीं होती, जब तक चीज़ें बदल नहीं जाती, सिचुएशन सही नहीं हो जाती, जो तीसरा पर्सन इन्वॉल्व है वो इस रिश्ते से बाहर नहीं हो जाता, तो तब तक वो महसूस कर रहे हैं कि जब तब तक इस रिश्ते में आगे बढ़ने में कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उन्हें इसमें सब कुछ नेगेटिव दिखाई दे रहा है। उनको वो महसूस हो रहा है कि इसमें कोई ना कोई पर्सन है इन्वॉल्व जो इस रिश्ते को ख़राब कर रहा है। तो देखते हैं कि स्कॉर्पियो क्या महसूस कर रही है। टेम्परेंस,
तो स्कॉर्पियो महसूस कर रहे हैं कि उनके पर्सन को इसमें बैलेंस लाने की ज़रूरत है, एक क्योंकि वो काफ़ी एंगर में रहते हैं, काफ़ी गुस्से में रहते हैं, कभी वो बहुत प्यार दिखाते हैं, कभी बिल्कुल बोलना बंद कर देते हैं, तो ओवर थिंकिंग करते हैं, ओवर चीज़ों को ओवर कंट्रोल करते हैं, तो वो इस ओवर थिंकिंग को, ओवर कंट्रोल को ख़त्म करना चाहते हैं, वो बैलेंस लाना चाहते हैं, वो सिचुएशन को सही करना चाहते हैं, वो महसूस कर रहे हैं कि अगर वो सिचुएशन को सही करेंगे तो इसमें यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स भी हो सकती है, तो इसको क्लैरिफाई करते हैं कि वो ऐसा महसूस क्यों कर रहे हैं जो स्कॉर्पियो है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, द टावर एंड एट ऑफ वंड्स। तो जो स्कॉर्पियो के पर्सन हैं, जो स्कॉर्पियो हैं, वो महसूस कर रहे हैं कि जो उनके पर्सन हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक तरफा सोच रहे हैं, वो दोनों तरफ का नहीं देख रहे हैं, उन्हें दोनों तरफ का देख लेना चाहिए और तभी चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं, तभी एक कम्युनिकेशन हो सकता है, जब वो दोनों तरफ का देखेंगे, जो चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, जो टूट फूट रही हैं, जो बदल रहा है सिचुएशन, पहले जैसी नहीं रही है, ट्रांसफॉर्म हो रही है, उन चीज़ों को वो महसूस कर रहे हैं कि वो सब कुछ उनके लड़ाई के कारण, गुस्से के कारण, एंगर के कारण होता जा रहा है, तो वो उसमें एक बैलेंस लाएं, एक स्टेबिलिटी लाएं, रुके ठहरे, सोचे विचारे और वो अप एंड डाउन इस रिश्ते को ना होने दें, क्योंकि कभी वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं, कभी बिल्कुल खामोश हो जाते हैं, तो इसलिए इस रिश्ते में बैलेंस नहीं आ रहा है, वो अपनी एक तरफा सोच रहे हैं, वो दूसरी तरफ का नहीं सोच रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि जो चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, जो सिचुएशन बदल रही हैं, जो ट्रांसफॉर्म हो रही हैं, उनको ट्रांसफॉर्म होने दें, उनको बदलने दें, अभी के लिए भले ही जो चीज़ें नेगेटिव है उनके लिए, जो चीज़ें ख़राब है उनके लिए, भले ही अभी उन्हें छोड़ने में दुख, परेशानी, तकलीफ हो सकता है, लेकिन अगर वो समय देंगे, वक्त देंगे और तो वही चीज़ें उनको आगे जाकर एक कम्युनिकेशन दे सकती हैं, एक मतलब बैलेंस आ सकता है उनकी लाइफ में, एक स्टेबिलिटी आ सकती है अगर वो उन चीज़ों को बदलने देंगे, समय देंगे और उन चीज़ों को ख़त्म होने देंगे जो उनके लिए बनी ही नहीं है, काम ही नहीं कर रही है, जो उनको लग रहा है कि हर रोज़ नई नई चीज़ें बदल रही हैं, ट्रांसफॉर्म हो रही हैं, कुछ ये एज फैक्टर भी हो सकता है, क्योंकि लाइफ के एक पड़ाव के बाद चीज़ें जो बदलनी होती हैं वो शायद वो बदल सकती हैं, या फिर कुंडलिनी जागृत, कुछ लोगों की कुंडलिनी जागृत हो सकती है, कुछ लोगों की ग्रह नक्षत्र इस समय चेंज हो सकते हैं, तो थोड़ा सा वो इस चीज़ के लिए वेट करें, अपने आप में बैलेंस लाएं, एक स्टेबिलिटी लाएं, गुस्से में एंगर में ना रहें और एक कम्युनिकेशन करें, और अगर वो फॉरेन में रहते हैं, उनसे दूर रहते हैं, तो मैसेज के थ्रू, फ़ोन कॉल के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, जैसे भी पॉसिबल हो सके वो उनसे बातें करना चाहते हैं, उनसे मिलने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर वो चाह रहे हैं कि वो सोच रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि अगर उनके पास समय है, वक्त है, तो वो ट्रैवलिंग करके भी उनसे मिलने के लिए आ सकते हैं, एक कम्युनिकेशन किया जा सकता है, वो ऐसा अपने पर्सन के लिए फील कर रहे हैं कि वो उनसे सामने से मिले, एक कम्युनिकेशन करें, वो जो चीज़ें उनके लिए बनी ही नहीं हैं उन चीज़ों को ख़त्म होने दें, उनको एक समय दें, एक वक्त दें और अपने आप में पेशेंस लाएं, हर वक्त वो एंगर में ना रहें और वो ना तो ज़्यादा ही प्यार दिखाएं, ना तो बिल्कुल ही खामोश रहें, तो देखते हैं कि वो एक दूसरे से क्या चाहते हैं। स्कॉर्पियो के पर्सन स्कॉर्पियो से क्या चाहते हैं, स्कॉर्पियो के पर्सन चाहते हैं कि वो हैप्पी रहें, खुश रहें, मग्न रहें, उनकी विश फुलफिलमेंट हो, जो वो सोच रहे हैं कि उनकी विश पूरी हो, ऐसा वो महसूस कर रहे हैं, उनके साथ कुछ खुशी चाहते हैं, उनके साथ वो चेयरफुल, वो चाहते हैं कि वो ये रिश्ता चेयरफुल हो, खुशियों भरा हो, प्यार भरा हो, तो इसको क्लैरिफाई करते हैं।
नाइन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करते हैं कि वो स्कॉर्पियो के लिए नाइन ऑफ कप का जो कार्ड्स आया है कि वो उनसे क्या चाहते हैं। टू ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस एंड एस ऑफ कप्स। तो जो स्कॉर्पियो के पर्सन हैं अभी जिगजैग कर रहे हैं, जगलिंग फेस में लग रहे हैं, उनको समझ ही नहीं आ रहा कि उन्हें नए रिश्ते की तरफ जाना चाहिए या एक नई जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है उस पर उन्हें वर्क करना चाहिए, काम करना चाहिए। वो इस रिश्ते में जस्टिस चाहते हैं। जो स्कॉर्पियो के पर्सन हैं वो चाहते हैं कि वो जिगजैग ना करें, वो डामाडोल ना हो, एक मन एक विचार बनाए, रुकें ठहरे सोचे विचारें, और जो भी मतलब वो चाहते हैं कि उन्हें उनकी हर विश पूरी हो, जो जैसा वो चाहते हैं। लेकिन वो ओवर ड्रिंक ना करें, क्योंकि ओवर ड्रिंक करते हैं, अल्कोहल पीते हैं, शराब पीते हैं, कुछ भी नशा करते हैं, तो उससे भी परेशानी दिक्कतें रिश्ते में आती हैं। अगर वो उस चीज़ों को छोड़ देंगे तो उनकी विश फुलफिलमेंट ज़रूर होगी, एक बिगनिंग एक शुरुआत हो सकती है। तो वो चाहते हैं कि वो इसमें जिगजैग ना करें, एक मन एक विचार बनाए, जो भी विचार उनका होगा वो अच्छा रहेगा और इसमें उन्हें न्याय मिलेगा। न्याय आ रहा है इस रिश्ते में, खुशियाँ आ रही हैं। वो चाहते हैं कि एक दूसरे से माफ़ी मांग लें, एक दूसरे को माफ़ कर दें और आगे कोई भी गलती ऐसी ना करें जो जिसके लिए उन्हें पछतावा करना पड़े। और वो इसमें एक न्यू ब्रांड बिगनिंग चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है वो उसके ऊपर वर्क करें, वो सोर्सेज देखें जो इस रिश्ते में एक न्यू ब्रांड बिगनिंग कर सकता है, इस रिश्ते में खुशियाँ ला सकता है, उनकी विश फुलफिलमेंट हो सकती है। तो वो यही चाहते हैं कि इस रिश्ते में डामाडोल ना हो, एक डिसीजन ले, रुके ठहरे सोचे विचारें, और जो भी वो करेंगे उसमें उन्हें जस्टिस मिलेगा, न्याय मिलेगा। और वो चाहते हैं कि एक दूसरे से थोड़ा सा माफ़ी मांग लें और चीज़ों को ओवर थे बातों को या चीज़ों को ओवर फ्लो ना होने दें, भावनाओं को समय के साथ फ्लो के साथ बहने दें, और उनकी विश फुलफिल होनी चाहिए, जो उनकी मनोकामना है वो उनकी जरूर पूरी होनी चाहिए। ऐसा वो चाहते हैं कि अगर वो रिश्ते में कम्युनिकेशन चाहते हैं, क्लियर कट बातें करना चाहते हैं, एक दूसरे की खुशियाँ चाहते हैं, तो वो जरूर उनकी पूरी होनी चाहिए, ऐसा वो उनके लिए चाहते हैं। अब देखते हैं कि स्कॉर्पियो क्या चाहते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, एक न्यू ब्रांड, एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत, एक दोस्ती के लेवल से वो स्कॉर्पियो अपने पर्सन के साथ एक फ्रेंडशिप लेवल से बिगनिंग करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इसमें चाहे भले ही वो एक दूसरे को पहले से जानते हैं, लेकिन वो उनके साथ घूमना फिरना, मौज मस्ती करना, डेट्स पर जाना, एक फ्रेंडशिप लेवल से, चाहे वो दूसरे को जानते हैं लेकिन फिर भी एक नई दोस्ती की तरह, एक नए प्यार की तरह, जैसे वो एक दूसरे को जानते ही नहीं हैं, उस एंगल से उनसे एक शुरुआत, एक बिगनिंग करना चाहते हैं। और सारी पुरानी चीज़ों को वो चाहते हैं कि उन चीज़ों को भूल जाएं जो इस रिश्ते में बाधाएं, परेशानियां, दिक्कतें दे रही थी। तो एक न्यू ब्रांड बिगनिंग इस रिश्ते में वो चाहते हैं। इसको क्लैरिफाई करते हैं कि वो ऐसा कुछ चाहते हैं। हो सकता है कि वो मैसेज के थ्रू, फ़ोन कॉल के थ्रू बातें कर रही हूँ, क्योंकि ये फॉरनर का भी कार्ड हो सकता है, फ़ोन से रिलेटेड भी हो सकता है, तो ये भी हो सकता है कि मैसेज कॉल के थ्रू उन पर नज़रें बनाए हुए हैं और उनसे बातें करना चाहते हैं, उनके साथ एक रिश्ता कायम करना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि जब भी वो उनसे मिलेंगे उनके साथ घूमना फिरना होगा। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ कप्स। तो वो चाहते हैं कि इन पुराने चीज़ों से मूव ऑन करें, उन पुराने बैगेजेस को यहीं छोड़ दे जो इस रिश्ते में बाधाएं दे रहे हैं, परेशानियां दे रहे हैं, दिक्कतें दे रहे हैं। वो ऐसे लोगों के बीच में ऐसे जगह पर रहें जहाँ उन्हें प्यार मिलता है, सुकून मिलता है, शांति मिलती है, और इस रिश्ते से वो गिव अप ना करें, रुके रहें, ठहरे रहें, स्टैंड लें।
अपने लिए या अपनों के लिए अगर उन्हें थोड़ा सा रूढ़ बनना पड़ता है, कठोर बनना, सख्त मिजाज अपनाना पड़ता है, तो भी वो इसमें वो कर सकते हैं। और वो चाहते हैं कि अगर या तो स्कॉर्पियो उनकी तरफ लव ऑफर लेकर जाना चाहते हैं, या फिर वो वेट कर रहे हैं कि वो उनकी तरफ लव ऑफर लेकर आए और इस रिश्ते में एक नए रिश्ते की तरह एक बिगनिंग करें, एक शुरुआत करें। चाहे इस तरह से वो बिगनिंग करें कि वो एक दूसरे को पहले से जानते ही नहीं थे, वो एक नया रिश्ता उनके साथ कायम कर रहे हैं, तो वो उनके साथ घूमना फिरना, मौज मस्ती करना, बातें करना, चैंटिंग करना या ऑनलाइन कम्युनिकेशन करना, ये सब चीज़ें वो उनसे चाहते हैं। वो चाहते हैं कि पुराने बैगेजेस को यहीं छोड़ दें, पुरानी जो भी इस रिश्ते में रुकावटें बात आई हैं, उन चीज़ों से वो मूव ऑन करें और अच्छी जगह पर, अच्छे लोगों के बीच में, अच्छी सिचुएशन पर जाएं और वो नया लव ऑफर उनकी तरफ लेकर आएं, या फिर उनके पर्सन उनकी तरफ लव ऑफर लेकर जाएं। तो इसमें आउटकम क्या रहेगा इसका देख लेते हैं। आउटकम क्या रहेगा द स्टार, तो इसका आउटकम बता रहा है कि कोई नई न्यू ब्रांड बिगनिंग, नई बिगनिंग, नई शुरुआत इस रिश्ते में हो रही है। काफ़ी जद्दोजहद के बाद, काफ़ी परेशानियों के बाद, काफ़ी लड़ाई, जब काफ़ी उतार चढ़ाव के बाद, अप डाउन जो बैलेंस हो रहा था उसके बाद, एक मेडिटेशन हीलिंग प्रेयर के बाद इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत हो रही है और ये रिश्ता आगे जाकर काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनने वाला है, मजबूत बनने वाला, क्योंकि जो हीलिंग करके वो मेडिटेशन करके, प्रेयर करके, भगवान में आस्था लगा करके वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, मजबूत हो चुके हैं, इसलिए ये रिश्ता काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकता है और काफ़ी खुशियों भरा ये रिश्ता हो सकता है। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। स्टार को क्लैरिफाई कर लेते हैं। किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड फाइव ऑफ पेंटिकल्स, तो कुछ केसेस में क्योंकि इस रिश्ते में अभी भी दोनों तरफ से काफी प्यार है, काफी एक दूसरे के प्रति भावनाएं हैं, वो एक दूसरे से प्यार करते हैं, अभी वो शायद एक दूसरे से माफ़ी भी मांगना चाहते हैं और वो अपना प्यार जो है उनके साथ एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। इमोशंस हैं, भावनाएं हैं, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, तो उनका हाव भाव समझकर ही इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत हो सकती है। और वो सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग की तरफ भी ध्यान देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो सबसे पहले अपने आप को स्टेबल करें, अपना नेम, अपना फेम, अपना बिजनेस, अपना जॉब, अपना करियर, अपना पैसा, अपनी मनी, क्योंकि उनको लगता है कि जब वो खुद स्टेबल होंगे तो रिश्ता अपने आप स्टेबल होगा। और जो एक दूसरे पर वो भरोसा, कुछ केसेस में इसका आउटकम बता रहा है कि वो अपने अपने रास्ते जाने वाले हैं, एक दूसरे से माफ़ी मांगना चाहते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझना चाहते हैं, लेकिन वो काफ़ी वाद विवाद रहा है एक दूसरे के साथ, उनका मन मुटाव रहा, तो कुछ केसेस में वो आमने सामने बातें करके इस रिश्ते को में एक ब्रांड, एक न्यू ब्रांड बिगनिंग चाहते हैं, एक शुरुआत चाहते हैं, नए सिरे से इस रिश्ते को बनाना चाहते हैं, गोल्डन स्टार इस रिश्ते को चाहते हैं। और कुछ केसेस में वो एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए एक दूसरे को माफ़ करके अपने रास्ते जाना चाहते हैं, अपने दूसरे रास्ते की तरफ मूव ऑन करना चाहते हैं, नए लोगों की तरफ बढ़ना चाहते हैं। तो कुछ केसेस में वो रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं और कुछ केसेस नए प्यार की तरफ या अपनी लाइफ की तरफ वो आगे बढ़ना चाहते हैं। तो इसकी गाइडेंस देख लेते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी ट्रस्ट इश्यूज रहे हैं, काफ़ी लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद रहा है। तो कुछ केसेस में वो बात करेंगे और एक दूसरे के साथ समझौता करेंगे, दोबारा से रिकॉन्सिलेशन करेंगे, और कुछ केसेस में वो एक दूसरे को माफ़ करेंगे और एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे और अपने अपने रास्ते चलेंगे, मतलब कि दूसरे लाइफ में अपने दूसरी तरफ बढ़ रहे हैं।
सिक्स ऑफ कप्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स एंड द स्टार। तो इसकी गाइडेंस यही बता रही है कि सबसे पहले जो ये वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट्स, इन एंड आउट जो ये रिश्ता हो रहा था, परेशानियां बाधाएं आ रही थी, उन चीज़ों को ख़त्म कर देना चाहिए। पहले सबसे पहले उन चीज़ों को, उस लड़ाई झगड़े को, उस कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करें और अपने आप को हील करें, मेडिटेट करें। क्योंकि जब आप हील करेंगे, मेडिटेट करेंगे, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, तभी तो ये रिश्ता मजबूत होगा, तभी तो ये रिश्ता गोल्डन स्टार होगा, तभी तो ये रिश्ता आगे बढ़ेगा और उस तभी वो इसमें रिकॉन्सिलेशन करें, गेट टुगेदर करें, एक फैमिली एक परिवार बनाएं, पुरानी हिस्ट्री को दोहराएं, एक दूसरे के लिए फॉरगिव करें। तो ये इस रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन आ रहा है कुछ केसेस में, और वही फिर कुछ केसेस में वो नई तरफ जा सकते हैं। इस लड़ाई झगड़े को, उस कॉन्फ्लिक्ट को, उस वाद विवाद को ख़त्म करके वो चाहते हैं कि ये लड़ाई झगड़ा ही ख़त्म, ये सब कुछ ख़त्म हो जाए और ये रिश्ता गोल्डन स्टार हो और रिकॉन्सिलेशन हो, घर बनना, घर बसना उनके साथ और एक फैमिली एक परिवार बनाना, फ्रूटफुल इस रिश्ते को करना, ये सब इसमें दिखाई दे रहा है। तो घर बनना, घर बसना दिखाई देता है, रिकॉन्सिलेशन होता दिखाई दे रहा है, लड़ाई झगड़ा बैर विरोध ख़त्म करके वो इस रिश्ते में एक हीलिंग मेडिटेशन के बाद, एक समय एक वक्त के बाद वो इसमें नया चांस लेना चाहते हैं, एक बिगनिंग एक शुरुआत करना चाहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और वीडियो बनाने में काफ़ी खुशी होती है। तो अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, और अगर कमेंट्स करने शुरू नहीं किए हैं तो आज से कर दीजिए, क्योंकि इस पर मेरा हक बनता है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू सो मच।